टोक्यो जो है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड कैपिटल है। आई थिंक अराउंड 40 मिलियन की पॉपुलेशन है टोक्यो की, दुनिया की मोस्ट क्राउडेड सिटी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, जापानीज गवर्नमेंट ने कुछ अराउंड 6.5 लाख या फिर $7,500 तक देना शुरू कर दिया था यहाँ पे जो फिलहाल टोक्यो में रह रहे हैं, कि वो टोक्यो से निकल कर कहीं और जाके रहे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि भाई जापानीज गवर्नमेंट से संभला नहीं जा रहा है। तो ये दुनिया का सबसे फेमस क्रॉसिंग गाइस, अभी फिलहाल देखिए क्रॉसिंग हो रही है, मतलब हर जगह से भाई लोग ही लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई, समझ नहीं आता भाई कैसे लोग क्रॉस कर लेते हैं। तो ये भाई यामानो द लाइन टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड लाइन है भाई, ये भाई इतनी भीड़ हो जाती है इस लाइन में, लिटरली यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना उनको धक्के देके भाई लोगों को अंदर करना होता है। तो यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार हम लोगों ने रिसेंटली हमारा फ्रीलांसिंग कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ कैसे आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कैसे आप लोग अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो, कैसे आप लोग अपना पहला पोर्टफोलियो बनाना होता है, कैसे आप लोग को पहला क्लाइंट जीतना होता है जहाँ से आप लोग एक्चुअली में पैसे कमाना शुरू करते हो। एंड इसी के साथ साथ मैंने रोड मैप बना कर दिया है, जहाँ पर अगर आप जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो अगर फॉलो करोगे तो पहले 3 महीने में कैसे आप 50,000 रुपए तक कमा पाओ। एंड अगर आप लोगों को तभी भी मेरे शब्द पर भरोसा नहीं होता, आप हमारे कोर्स में रोल करो, जो भी मैंने सिखाया है वो सारा कुछ देखो। सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मैंने आप लोगों को कुछ भी नया नहीं सिखाया या फिर आपने कुछ नहीं सीखा, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार जो मैंने सिखाया वो तो ऑलरेडी आपको पता थी, तो आप मेरे को बस एक मेल करो जहां पर आप बताओ कि मेरे को आपका कोर्स पसंद नहीं आया, आपका जो पैसा है मैं तुरंत रिफंड कर दूंगा। एंड लिटरली एक टाइम के खाने के बराबर का भाई कॉस्ट रखा है मैंने, जान बूझ के कि यार सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाए। यही चीज अगर आप मार्केट से कंपेयर करो तो लिटरली 25,000 से 30,000 रुपए तो एटलीस्ट चार्ज करेंगे लोग जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी है कोर्स में। एंड अभी हमारे वेबसाइट में लाइफ टाइम लॉन्च ऑफर चल रहा है, जो कि आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, जो कि बस पहले 500 लोगों को ही मिलेगा। तो जाइए हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ हमारे कोर्स में। अभी जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में, कैसे हो सभी लोग। अभी फिलहाल गाइस मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, यहाँ से भाई फिलहाल हम लोग फ्लाई करने वाले हैं दिल्ली से टोक्यो के लिए। बहुत टाइम के बाद भाई मैं ट्रिप कर रहा हूँ, आई थिंक 3 महीने से ज्यादा हो गए। इसके बारे में डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको, कहाँ था, क्या कर रहा था और क्या रीजन की वजह से मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया। बट अजीब सा लग रहा है यार, मतलब इतने टाइम का फ्लाइट ले रहे हैं, 3 महीना तो यार आई थिंक लास्ट के काफी सालों से, 3-4 सालों में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 3 महीने से मैंने भाई कोई फ्लाइट ना लियो। एंड ये वाली जो ट्रिप है गाइस वो काफी लंबी होने वाली है। एक्चुअली मैं अभी यहाँ से प्लान करके जा रहा हूँ जापान के लिए, पर अगेन मुझे पता नहीं है यार मैं कब आऊंगा इंडिया। तो वन वे टिकट जैसी है, ऑफकोर्स मैंने दिखाने के लिए जरूर दिखा दिया है, जो आपको दिखानी पड़ती है कि भाई रिटर्न आ रहे हो, बट मेरा कुछ भरोसा नहीं है कब आऊंगा मैं इंडिया। 3 महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है जापान से, फिर आगे भी हम काफी ट्रैवल करने वाले हैं, काफी लंबी होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी मैं भाई 3 महीने से घर पे बैठा हूँ। एंड ये साल का भाई पहला सीरीज है हमारा, तो पता नहीं होगा एग्जैक्टली कब आऊंगा वापस। अभी निकल रहे हैं शायद 3-4 महीना, जितना भी होगा वो हम आगे देखेंगे भाई कैसा रहता है हमारी जर्नी। सब ये जो बोर्डिंग है वो खत्म हुआ हमारा, एंड ये भाई अभी अनाउंसमेंट हो रही है। स्वागत है गाइस आप लोग का टोक्यो जापान में। तो अभी भाई हमारा लगेज भाई मैंने कलेक्ट किया, तो यहाँ पे लिखा है गाइस टोक्यो वेलकम, एंड हमारा भाई जापान में स्वागत होता हुआ। भाई ये देखो यार जापान में क्या चल रहा है यार, यहाँ पे देखो मेट्रो के लिए कैसे लोग खड़े हैं यार, भाई क्या चीज है यार जापान में, समझ नहीं आता। जितने बार देखता हूँ ना इतनी हैरानी होती है मेरे को इन लोगों को देख के। ये भाई यहाँ पे टोक्यो का हाल होता है यार, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, स्पेशली टोक्यो में इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड प्लेस है, तभी भी चीजें इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, जो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था एंड इस बार भी जब मैं आया हूँ हर बार भाई यहाँ पे आके सरप्राइज ही होता हूँ यार। भाई ये देखो भाई यहाँ पे डोरेमोन की भाई ऐड चल रही है भाई, देख लो ये देख लो, जियान भाई जियान सुनियो भाई, गजब है यार। आई थिंक इनका जापानीज डोरेमोन शायद अलग होता होगा हमारे इंडियन वर्जन ऑफ डोरेमोन से अगर मैं कंपेयर करूँ। तो भाई अभी फिलहाल मैं हूँ टोक्यो जापान में, फाइनली यार जो हमारी लंबी फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट के बाद भाई एक्चुअली एयरपोर्ट से डायरेक्टली मैं मेरे हॉस्टल ही आ गया था, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस की वजह से मुझे काफी ज्यादा नींद आने लगी थी एंड मेरी नींद हुई नहीं थी फ्लाइट में, क्योंकि अगेन उल्टा पुल्टा हो गया था टाइम का। बट अगेन आज भाई हम लोग हमारे टोक्यो की जो फर्स्ट डे वो शुरू करेंगे हम लोग एक्सप्लोर करना। मैंने सुना था कल यहाँ पे काफी देर बारिश हुई थी, पर आज जो वेदर है टोक्यो का काफी ज्यादा सनी एंड काफी बढ़िया लग रहा है। टोक्यो भाई सनी वेदर में काफी बढ़िया लगता है, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था भाई पहले दिन मेरा सनी वेदर था, आज भी भाई हमारा जो वेदर है वो सनी वेदर एक्सपीरियंस करने को मिला है। एंड ये भाई फिलहाल मेरा हॉस्टल है जहाँ पे फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ, आई थिंक एक नाइट के लिए मैं कुछ अराउंड 1600 रुपए इंडियन रुपीज दे रहा हूँ, आई थिंक कुछ अराउंड बोल सकते हो 3,200 से 3,300 येन पर नाइट का पे कर रहा हूँ मैं। एंड भाई आज हम लोग एक लोकल जापानीज यूट्यूबर से मिलने वाला है, जो मेरे को आज जो सिटी है सिटी का टूर देने वाली है, उनका नाम है सोफी इन जापान। आई थिंक वो यूट्यूब में कम
टिकटॉक में ज्यादा फेमस है, पर जो भी है वो लोकल जापानीज है, तो अगेन लोकल जापानीज के साथ ट्रैवल करने में अगेन बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि यार जो लैंग्वेज बैरियर है वो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ना। अगेन एज ए लोकल ट्रैवल करते हो तो उसका अलग मजा तो होता ही है। पर भाई अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरे को हाराजुकू जाना है टोक्यो का, जहाँ पे फिलहाल जो सोफी इन जापान जिनसे मिलने वाला हूँ उन्होंने मेरे को बुलाया है। आई थिंक अराउंड 20 मिनट्स की राइड है जहाँ पे फिलहाल हूँ, यहाँ से हाराजुकू टोक्यो के। So here we have our friend Sophie from Japan. So hello everyone, nice to meet you. Namaste. What did you say in Japanese? Konnichiwa, hello. Konnichiwa, ogenki desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. It means hello, how are you? Nice to meet you. Oh, okay, okay, okay. Okay. So, yes. So, she messaged me when I was in Japan last time. इन्होंने मेरे को last time जब मैं Japan था तभी message किया था, पर वो time पे मैं ठीक से इनका message पढ़ नहीं पाया था, तो इस बार ही हमने तभी बात हुई थी कि मैं फिर से अगर Japan आऊँगा तो मैं मिलूंगा इनसे। Please make sure to watch my YouTube channel. It's Sophie in Japan. And he will tag it. So you are from, you're not from Japan. You are from, you said that you are Iranian and Spanish. I'm from Spain, Barcelona, and I'm half Iranian living in Tokyo. भाई साहब देख सकते हो ये हाफ इरेनियन है पर ये स्पेनिश भी है, बट यू हैव अ जापानीज पासपोर्ट। यस ऑफ कोर्स। ये देख लो भाई इतना इंटरेस्टिंग सा मिक्स है। ये फिलहाल हाराजुकू स्टेशन है, स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट में ही है ये वाला प्लेस भी लास्ट टाइम जब मैं आया था तब नहीं आया था। यू नो व्हाट टू डू इन हाराजुकू? यस देयर इज अ लॉट टू डू। फर्स्ट इज ईटिंग, सेकंड इज शॉपिंग लाइक अ बोथ इफ यू लाइक, राइट, एंड द थर्ड इज लाइक गोइंग टू कैफे एनिमल्स। अमेजिंग। ये देखो भाई यहाँ गो कार्टिंग हो रही है भाई जापान के सड़क पे। भाई ये प्लेस वाइब है यार। ये गाइस यहाँ पे ताकाशिता स्ट्रीट जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट्स है यहाँ पे हाराजुकू में, एंड सारे लोग देख सकते हो, सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं यहाँ पे। हमारे फ्रेंड यहाँ पे सोफी बोल रही है कि ये तो ये काफी पॉपुलर चीज है बोल रहे हैं यहाँ पे ये वाले एरिया में ट्राई करने के लिए, एंड ये वाले चीज ट्राई करने क्या है मुझे भी नहीं पता क्या ट्राई करवाने वाली है। इसके लिए लाइन देखो कितनी लंबी लाइन है भाई, तो हम भाई अभी लाइन में खड़े होने वाले हैं, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होता है कि लोग इतने क्रेजी क्यों है इस चीज के लिए। देखो भाई बड़े बूढ़े सारे, छोटे बूढ़े सारे लोग भाई। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस नाउ। What's she saying? She said long line, right? Not a festival. Not a festival. तो आई थिंक कुछ अराउंड यार 20 मिनट वेट करने के बाद हम फाइनली यार शॉप के भाई नज़दीक आया, नहीं तो भाई पीछे भाई पूरी लाइन लगी हुई है ये चीज़ ट्राई करने के लिए। आई थिंक कुछ रेनबो का कुछ है ये देख सकते हो यहाँ से, जो कि लोग इतने एक्साइटेड हैं, बड़े भी बच्चे भी सारे एक्साइटेड हैं। सारा यहाँ पे मेनू है, पोटैटो मोज़ेला चीज़ हॉट डॉग ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली इसमें जो रेनबो कलर का है ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, तो इसमें हम लोग रेनबो चीज़ 10 yen ब्रेड ये ले रहे हैं, ऐसा हमको हमारे फ्रेंड सोफी बोल रही है। मेरे को तो कुछ पता नहीं है, ये जो बोल रही है वही भाई मैं भाई खरीद रहा हूँ अभी। तो ये चीज़ थी जो भाई हम लोगों ने ऑर्डर करी है अभी फिलहाल, एंड ये जो रेनबो का कलर आ रहा है यही इसी चीज़ की एक्साइटमेंट है भाई यहाँ पे जापानीज लोगों को, देख सकते हो आप लोग। तो ये भाई यहाँ पे चीज़ है, एक्चुअली चीज़ है ये जो आप रेनबो का देख रहे हो चीज़ है, उसके अंदर ब्रेड में डाल के दिया ये। टेस्ट में काफ़ी ओके ही है अगर बताऊँ तो, चीज़ का टेस्ट आ रहा है नॉर्मली, बट इतना हाइप भाई इन्होंने भाई ये रेनबो कलर के बना कर रखा है। ये चीज़ है जो जापान को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाती है, ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं यहाँ पे। ये देख लो भाई आप लोग, अरे भाई साहब कितना कूल है ये। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें काफ़ी देखने को मिल जाती है आपको। ये देखो भाई यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे भाई कॉटन रोल क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी वैसे वाला। एंड यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट चीज़ें काफ़ी देखने को मिल जाएगी, हाराजुकू जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है टूरिस्ट के लिए। ये देख लो भाई भीड़ आप लोग यहाँ से, भाई साहब क्या चीज़ है यार ये। पर यहाँ पे चीज़ें है ना नॉर्मल चीज़ों को इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है, एंड वही इंटरेस्टिंग बनाने के बाद लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं चीज़ों को। एक नॉर्मली ब्रेड में चीज़ डालने की बजाय उसके अंदर रेनबो कलर डाल दिया जिससे कि लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, ये चीज़ लोगों को एक्साइट कर रही है यहाँ पे टोक्यो में यार। तो यहाँ पे गाइस हाराजुकू जो रेलवे स्टेशन है मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद ही हाराजुकू एरिया आता है। तो लास्ट टाइम मैं ये वाले प्लेस में नहीं आया था, हाराजुकू जो एरिया है एंड ये वाले जितने भी रीजन था वो वाले रीजन में आया, शिबुया शिंजुकू तो गया था, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। बट ये वाला एरिया थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो एरिया है, एरिया में आप लोग को अगर बिल्डिंग देखोगे थोड़ा एक्सपेंसिव आपको सारे बिल्डिंग देखने को मिलेंगे, महंगे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, एंड जो इलाका है इलाका को भी देखोगे तो आप लोग को समझ आएगा कि थोड़ा सा अलग किस्म का एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो क्या बोलते हैं रेड ब्लू जो बिलबोर्ड्स होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट होती है शिंजुकू शिबुया में देखने को मिलती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे इनका ये घर देखो कितना स्लीक कितना क्लीन,
वो जो मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर बोलते हैं ना भाई, लिटरली वही है पूरा। यस अरे भाई कहाँ से हो? ऑल गुड। कहाँ से भाई? इंडिया से? नेपाल। नेपाल। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया ब्रो। से हाय। क्या नाम आपका? सौरव। विष्णु विष्णु आप यहीं रहते हो क्या? आप यहीं नहीं रहते? नहीं 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 मैं तो घूमने आया हूँ बस। फॉर हाउ मेनी डेज? इट्स बीन लाइक टुडे टोक्यो इज द फर्स्ट डे फॉर मी इन टोक्यो। आप यहीं रहते हो? हाँ, यही। काठमांडू किधर से? काठमांडू के कलंग। आई डोंट नो इफ यू नो द प्लेस, कलंगी से हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। नेपाल से काफी लोग देखते हैं हमको यार। बहुत है। व्हेन आई केम हियर आई वाज सरप्राइज्ड, नेपाली बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, अच्छा। मुझे नहीं पता था इतना नेपाली होंगे जापान में। फिर मैं आए, इतना नेपाली है पर इंडिया से बहुत कम है, मतलब कंपैरेटिवली। चलो बढ़िया बढ़िया भाई। लास्ट टाइम You came from India or? Yeah, from India, from India. Oh. How many days for you in Japan? कितना दिन हो गया आपको? साल हो गए भाई, छह साल। अरे भाई साहब, यार कुछ बताओ ना भाई, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं हराजुकू में? स्ट्रीट फूड खा लो भाई। स्ट्रीट फूड ट्राई किया बहुत। रियली? हाँ हाँ, यहाँ पे काफी सारे स्ट्रीट फूड ट्राई किया। गोल गोल घूमने वाला पोटेटो। राइट। व्हाट्स योर यूट्यूब नेम? इट्स बाय वेंडरिंग मैनियाक ब्रो। कितना है सब्सक्राइबर? ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। थोड़े बहुत लोगों का प्यार है, बस लोग देखते हैं। सब्सक्राइब हिज चैनल। तो यहाँ पे भाई सौरभ बताना आपने। हाँ। तो सौरभ भाई मिल गए। हाँ। ये वो नाइकी का ऑफिस है ये। अच्छा, यहाँ पे काम करते हो आप? हाँ। इंटरेस्टिंग। कैसे ये एरिया थोड़ा सा अलग लगा मेरे को शिंजुकु शिबुया से। हाँ। यहाँ पे ये कुछ स्पेशल है ये एरिया के बारे में? हराजुकु इज फेमस फॉर ड्रेस अप। अच्छा, पर मेरा ड्रेस अप तो अच्छा नहीं है। द क्लोथ्स के लिए फेमस है ये। थोड़ा स्ट्रेंज लोग देखेंगे आपको। अच्छा, इधर वाका है लाइक यंग पीपल, दे कम इन। यंग पीपल यहां पे आते हैं। सही बोल रहे हो, ज्यादा यंग पीपल देखने को मिल भी रहे हैं मेरे को। इफ यू वांट टू सी यंग पीपल ऑफ जापान देन हराजुकु इज द बेस्ट। हराजुकु इज द प्लेस। ओए देखो, ये बोल रहे थे यूनिक क्लोथ्स। तो यहाँ पे सौरभ भाई मिल गए थे हमको नेपाल से। ऐसे वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते उन्होंने बोला कहाँ से हो भाई ऐसे करके। तो हमारे भाई बता रहे थे कि ये एक्चुअली यंग लोगों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है वाला प्लेस हराजुकु। एंड यहाँ पे इसीलिए जितने भी आपको आर्किटेक्चर एड्स देखने को मिलेगा, हर जगह यंग लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आपको एड्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, एंड जितने भी फैशन्स हैं वो भी काफ़ी जेंजी एंड यंग लोगों को अट्रैक्ट करने वाली वाइब आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। थोड़े बहुत यहाँ पे लंबे लंबे बिल्डिंग्स भी हैं जो कि अगेन नॉर्मली टोक्यो में ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। तो ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हो गाइस, ये पिंक कलर के जो लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, ये साकुरा की भाई खासियत है। अभी ये पूरी तरह से ब्लूम हुआ नहीं है एक्चुअली, जो विंटर ब्लॉसम्स बोलते हैं इसको। और ये जो ब्लूम होता है ये आई थिंक और 3-4 दिन के बाद ये जो एक्चुअल जो साकुरा है टोक्यो में वो हमको देखने को मिलेगा। जितने भी पेड़ है सारे भाई ये पिंक हो जाते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दिस सीजन इज सो फेमस इन जापान। जितने पेड़ के पत्ते होंगे सारे पिंक हो जाएंगे, काफ़ी ट्रिमी सी वाइब हो जाती है यहाँ पे। लाइन टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड लाइन है भाई, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी कहा हुआ है भाई, इतनी भीड़ हो जाती है इस लाइन में लिटरली। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना रेलवे प्लेटफॉर्म में, उनको धक्के देके भाई लोगों को अंदर करना होता है। काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं टोक्यो मेट्रो के, स्पेशली यामानोतो लाइन के, जहाँ पर भाई लोगों को धक्का मार के भाई जो ऑफिशियल्स हैं वो भाई अंदर करते हैं, नहीं तो भाई अंदर नहीं हो पाते यहाँ पे। तो स्वागत है गाइस आप लोगों का शिबुया टोक्यो में। एंड यार मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं फाइनली फिर से इधर आ गया शिबुया में यार। टोक्यो वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस बोल सकते हैं आप लोग, जापान का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस। अगर कोई जापान आता है वो शिबुया नहीं आता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दुनिया का सबसे फेमस क्रॉसिंग गाइस, अभी फिलहाल देखो क्रॉसिंग हो रही है भाई साहब, ये देख सकते हो आप लोग, ये भाई देख सकते हो। मतलब हर जगह से भाई लोग ही लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई, समझ नहीं आता भाई कैसे लोग क्रॉस कर लेते। पर ये यहाँ पे शिबुया क्रॉसिंग दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रॉसिंग,
टोक्यो जो है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड कैपिटल है। आई थिंक अराउंड 40 मिलियन की पॉपुलेशन है टोक्यो की, दुनिया की मोस्ट क्राउडेड सिटी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, जापानीज गवर्नमेंट ने कुछ अराउंड 6.5 लाख या फिर $7,500 तक देना शुरू कर दिया था यहाँ पे जो फिलहाल टोक्यो में रह रहे हैं, कि वो टोक्यो से निकल कर कहीं और जगह रहें, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि भाई जापानीज गवर्नमेंट से संभला नहीं जा रहा। एंड रियल एस्टेट एंड जो घर के प्राइस है वो इतने ज़्यादा हाई हो गए कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो अराउंड 6,50,000 रुपये यहाँ की सरकार दे रही है हर फैमिली को, हर बच्चे के लिए, कि वो अपनी फैमिली एंड बच्चे को भाई टोक्यो के बाहर लेके जाए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 5 बच्चे तक का जापानीज गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट कर रही है। तो अराउंड आई थिंक $40,000 जापानीज गवर्नमेंट रेडी है आपको देने के लिए, अगर आपके 5 बच्चे हैं। अगर नंबर वन, $40,000 इक्विवेलेंट अराउंड 30-35 लाख कि आप भाई अपना घर परिवार लेके टोक्यो के बाहर जाके रहो। बट ये हमको नंबर काफी बढ़िया लगता है, बट उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि टोक्यो के बाहर काम भी कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। तो ये भाई सिस्टम है यहाँ पे कि लोग भाई, सरकार लिटरली पैसे दे रही है लोगों को 6,50,000 रुपए एक बच्चे के लिए कि वो टोक्यो से निकलकर कोई और शहर में जाके रहे। शिबुया में यहाँ पे आई थिंक इंडियन रेस्टोरेंट है एक, जहाँ पे फिलहाल अभी मैप देख के आया हूँ मैं, रेटिंग ठीक थी इस रेस्टोरेंट की, तो आ गया मैं। शिबुया क्रॉसिंग से जस्ट थोड़ा सा आगे लेफ्ट की तरफ ही आई है। तो आज भाई यहाँ पे टोक्यो में इंडियन खाना ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है यहाँ पे शिबुया में। तो ये भाई हमारा खाना, भाई देख सकते हो ये बटर नान के साथ, आई थिंक साग के साथ कुछ है, ये चिकन के साथ कुछ है, सलाद दिया है उसके साथ पानी के साथ। भाई ये हम इंडियन रेस्टोरेंट में, काफ़ी क्यूट सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा, इतना छोटा होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर रेटिंग में काफ़ी बढ़िया है गूगल में, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेटिंग्स है इसके। तो ये खाते हैं, मुझे एक्जैक्ट पता नहीं कितना कॉस्ट आएगा इसका, आई थिंक बिल आएगा तो उसके बाद बताता हूँ कितना कॉस्ट है। एक नान, आई थिंक एक चिकन एंड एक साग का कुछ है, सलाड भी है। तो यहाँ पीछे भाई गए थे हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में, भाई झंडा देख सकते हो हमारा लगाता हुआ, आई थिंक गए थे हम लोग, काफ़ी बढ़िया मैंने पेट भरे खाना खाया लिटरली। आई थिंक मटन भी था इसमें, चिकन भी था, एंड मुझे लगा था शायद बहुत महंगा होगा क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट नॉर्मली महंगे होते हैं बाहर, पर यहाँ पे मुझे पता है कितना पड़ा, 1300 येन का खर्चा आया मेरे को, जो कि कितना बढ़िया प्राइस है यार। आई थिंक अगर मैं कोई जापानी रेस्टोरेंट में जाता तो भी शायद अराउंड 800-900 तक तो पड़ जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट था तभी भी 1300 येन में पड़ा मेरे को। एंड मटन खाया मैंने ऊपर से, चिकन भी नहीं, तो आई थिंक इंडियन रिपोर्ट्स में बताऊँगा तो अराउंड बोल सकते हो 800 रुपये तक, जो कि मेरे को लगा काफ़ी डिसेंट प्राइस है यार।